In this video, we are going to study about the BIS requirements of shampoo. In previous video, we have discussed about the introduction to the BIS, that is Bureau of Indian Standards. अब हम देखेंगे कि जो आपके सिलेबस में कुछ कुछ कॉस्मेटिकल प्रिपरेशन है जिसके हमें BIS रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, ठीक है. सो द फर्स्ट इज शैम्पू. इसमें हम देखते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि मतलब उसका जो वी कैन से पैरामीटर है या फिर उसके जो अलाउएबल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ठीक है. सो द फर्स्ट इज pH ऑफ शैम्पू जो होना चाहिए बिटवीन 4 to 9. द मैक्सिमम हैवी मेटल्स दैट और या फिर जैसे लेड हो गया दैट इज़ परमिटेड इन शैम्पू इज 20 ppm, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन. द मैक्सिमम आर्सेनिक ऑक्साइड मतलब आर्सेनिक विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड विच इज़ परमिटेड इन शैम्पू इज 2 ppm. जब हमने फर्स्ट ईयर में IPC पढ़ी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमने देखा था कि वी परफॉर्म द लिमिट टेस्ट जिससे हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर मेटल का कितना कॉन्सेंट्रेशन किसी भी प्रिपरेशन में अलाउेबल है, ठीक है. तो वो सब हम ऐसे ही चेक करते हैं. तो ये उसकी लिमिट है कि इतने लिमिट में ये चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो जब आपके मतलब क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोडक्शन के बाद जो टेस्टिंग होंगी अगर उसमें ये सारे कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा हुए तो क्या होगा, हमारे जो बैच है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारी जो लिमिट है इसके अंडर ही हमारी प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए. द लिस्ट ऑफ डाइज कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड टू बी यूज आर अंडर द शेड्यूल क्यू ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ा तो उसमें जो शेड्यूल क्यू है उसमें पूरा इसकी लिमिट्स दी रखी है. नॉन वॉलेटाइल अल्कोहल सोल्यूबल मैटर परसेंट बाय मास इट इज 10. फोम हाइट फॉर 2% सॉल्यूशन इज 150 mm. फोम हाइट मतलब जब हम इसका उसको शेक करते हैं तो उसका जो फोम प्रोडक्शन होता है जितना उसमें झाग बनते हैं वो होना चाहिए 150 mm. ओके, नाउ एनालिटिकल मेथड्स फॉर शैम्पू. मतलब हम कौन कौन से एनालिटिकल मेथड कर सकते हैं टू एनालाइज द कॉस्मेटिकल प्रिपरेशन ऑफ अ शैम्पू, ठीक है. तो इसमें वी हैव फिजिकल अपीयरेंस और विजुअल इंस्पेक्शन. सबसे पहले तो हम उसे देख के उसकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज कर सकते हैं. फिर हम उसका डिटर्मिनेशन ऑफ pH, तो हम उसका pH डिटरमाइन करेंगे विच शुड बी बिटवीन 4 to 9, ठीक है. नेक्स्ट वी डू द डर्ट डिस्पर्शन, ठीक है. पहले उसमें उसका थोड़ा सा डर्ट मतलब उसमें ऐड करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि वो उसे कैसे क्लीन कर रहा है. तो ये वाला भी टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर इट्स एनालिसिस. नेक्स्ट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज सॉलिड कंटेंट, कि उसमें सॉलिड कंटेंट कितना है. सरफेस टेंशन मेजरमेंट, वी ऑल्सो मेजर द सरफेस टेंशन. क्यों सरफेस टेंशन क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि सर्फेक्टेंट्स ऐड करते हैं हम शैम्पू में, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट क्लेंजिंग एक्शन, उसका कितना क्लेंजिंग एक्शन है, जो क्लेंजिंग कर भी रहे या नहीं. क्योंकि अब हम ये बात बोलते हैं कि जितना सर्फेक्टेंट ज़्यादा होगा उतनी हमारी आइडल नहीं होगी प्रिपरेशन, लेकिन एक लिमिट है जिसमें सर्फेक्टेंट होना चाहिए, उसमें क्लेंजिंग एक्शन होना चाहिए. क्योंकि वरना फिर क्या फ़ायदा, शैम्पू इनका काम तो क्लेंजिंग ही है, क्योंकि उसके बाद रिपेयर के लिए तो हम कंडीशनिंग करते ही हैं अपने हेयर में, ठीक है. नेक्स्ट इज़ द वेटिंग टाइम एंड लास्ट इज़ द फोमिंग एबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, कि कितनी देर बाद फोम प्रोड्यूस हो रहा है और कितनी देर तक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. सो दीज आर द एनालिटिकल मेथड्स फॉर द शैम्पू.